बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग जैसे कि मैंने कहा था कि सारी गाय मैं दिखाने वाला हूँ, और कुछ व्लॉग जो है, दो व्लॉग जो है रह गए अभी, क्या नाम है, चंद व्लॉग पहले जो है ऊँट भाग गया था, आप लोग ने खुद देखा था कि मतलब ऊँट ने शुगल करवा दिया था, कंटेंट मिल गया था, मैं तो सो रहा था, मज़ा आ गया। तो ये बता रहा है कि उससे पहले दो व्लॉग रेडी पड़े हुए थे, लेकिन वो बकरे ईद के बाद आएंगे। अब मेरा हाथ क्यों खा रहे हैं, आ जाओ बात सारी गाय दिखाते हैं, आ जाओ। तो गाइड्स ये देख सकते हैं, ये है अशमान रयान की गाय, और हमारे साथ छोटा ब्लॉगर भी है अफान डॉन। और तो इसके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यार इसके रेट कितने थे मुझे भी नहीं पता, बात आपको पता है, 86 रेट है। तो माशाल्लाह 86 में बहुत प्यारा मिल गया, स्माइल गोट से जो है लेकर आए। आज अफान इस साइड पे चलेंगे। तो ये मैं सो रहा था, तो उसके बाद क्या नाम है, सोते जब मैं उठा ना, तो मैंने देखा कि इबाद लोगों का जानवर भी आ चुका है। अनलोडिंग की वीडियो अफान डॉन ने बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अफान भाई फुल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो रेट तो हमें भी नहीं पता, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। आज तो गाइड्स पहले इसको गलने देते हैं। तो गाइड्स ये वाला बकरा जो है अभी नहीं बिका, लेकिन वो वाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह बकरा बिक चुका है। बाकी तकरीबन जो है सारे बकरे बिक चुके हैं सिवाय एक के अलावा, वो है ये वाला। अब ये वाला देखते हैं कुर्बान करेंगे या इसको पालेंगे, कुछ ना कुछ सीन होगा, आप देखे जाएगी। सो गाइड्स अब अफान लोग जानवर के पास हम लोग जाएंगे, तो आ जाए पहले एक खाना खा रहे, इसको डिस्टर्ब नहीं करता, मारे नहीं जाना बस बाकी सब। ए नहीं इसके रेट मुझे भी नहीं पता भाई, जैसे क्या नाम है इसको जो है ना, पाला है रयान केटल फार्म, सीधी बात है, और दूसरा वाला भी वहीं से लिया है। अब हम चलते हैं इस जानवर के पास, ये भी मतलब अभी चारे के टाइम है। आप क्या कर रहे हो, ये भाई ये किसका बकरा है, नहीं नहीं अच्छा जो भी है, चलो आ जाओ अब दूसरी तरफ चलते हैं हम। सो गाइस ये वाला जो है एक पीस का है माशाल्लाह, ये भी बहुत पहले आ गया था, आ जाओ चलो हम दूसरे मोतीशिम की गाय। अच्छा तो ये है सुभान लोगों का जानवर माशाल्लाह, इसको थोड़े से लूज मोशन हो गए, कोई बात नहीं सही हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अब आगे तरफ चलते हैं, इसके रेट जो है 80,000 है। बाकी मोतीशिम लोगों का जानवर है, ये भी कल ही उतरा है। ये है हमारे मोतीशिम भाई का जानवर, वो जा रहे हैं, दिखाओ जरा मोतीशिम को, शर्मा रहे बेचारे, थोड़े शर्मीले हैं वो, आ जाओ आगे चलते हैं। सो गाइस ये वाला जानवर जो है शेख बिलाल लोग जिनसे हमने माइक खरीदा है, लाल कल इनसे पड्डा भी हो गया था, जब ये ऊँट आया था ना ये जानवर भाग गया था। आ जाओ अब दूसरा जानवर दिखाते हैं हम। सो गाइस ये है नबील भाई लोगों का, हम लोग जो क्रिकेट खेलने जाते हैं ये भी हमारी टीम में है। तो आ जाओ इनके जानवर के रेट, यार इस बार पता है क्या सीन हुआ हमारे साथ, इस बार हमारे साथ सीन ही हुआ है क्या, इस बार जो है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एक मिनट यार, तो मैं जो है इस बार बीमार हो गया था बकरे ईद में, और अभी भी हूँ बीमार, बीमारी में ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो वैसे ये जानवर जो है 80,000 का है, और इस बार ना हमने किसी गाय को, मतलब सारी गायों में से सिर्फ चंद गायों को हमने हाथ लगाया और गाय देखी, इस बार हमने अपनी गली की भी जो है गाय नहीं गिनी। आ जाओ सुगर ये जो है बदान लोगों का है, और 86,000 का है बदान लोगों का, और एक और जो है ये भी सुबह ही उतरा है, ये भी इसकी रेट हमें बिल्कुल भी नहीं पता। सुगर ये है सात भाई का जानवर, बाकी में मुझे भी इस जानवर के जो है रेट नहीं पता, लेकिन बेचारे बहुत डर रहा है ये, इससे ज्यादा हम डर रहे हैं। आज दूसरा जानवर देखा। सो गाइस जैड लोगों जानवर के पास हम आ चुके हैं, और इसका जो है मोरा नहीं है, ये दो बार भागी है, एक हमने जो क्या नाम है अंकल ने जो है हमें सुनाई भी थी, वो ब्लॉग रात में आएगा अभी नहीं आएगा 2 घंटे बाद। तो ये जानवर जो है वो है 160 का, नहीं नहीं आपको हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम आगे ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और जल्दी जल्दी करना है हमें बस एंड। सो गाइस जो जो खड़े हुए हैं ना, ये इनकी गाय है शिरोज भाई की, शिरोज भाई रेट बताएंगे आप इसके। भाई ये 2 लाख रुपए की ली थी हमने, 2 लाख की ली थी माशाल्लाह, ये सबसे पहला जानवर आया था ब्लास में। सो गाइस ये एक बकरा जो है, बल्कि एक नहीं सारे ही बकरे, सारे आराम फरमा रहे, ये तो देखें। और बकरे भाई कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आज वो तो लेट गया, वो तो छोले पे लेट गया भाई, अंगड़ाई ले रही है। चलो स्पीकर से क्या करना है, जरा बात करूंगा, बताइए सीन है आपके, उसमें लगेगा नहीं, आईफोन का लग जाता है ना, आईफोन का लीड घर पे रखी हुई है, वो देखो सामने एक और गाय,
सुभाष जी है हादी भाई लोगों का। सबसे पहले ट्यूशन जो था ना मैं इनके वहाँ पढ़ता था। डार्लिंग की गाय का रेट मुझे नहीं पता लेकिन अच्छी है माशाल्लाह। और इसके पीछे जो है एक और भी है, इसका मैं रेट बता सकता हूँ। इसका था 90,000, 90,000 था। अरे धुम्बा तो हमने देखे नहीं। आओ इबाद भाई जरा धुम्बा भी दिखाओगे आप। सुभाष जी देखिए धुम्बा मिल गया हमें, वाह वाह। धुम्बे मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह धुम्बा भी हम एक दिन पालेंगे जरूर। सुभाष सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। ये जो जानवर है वो जो है जैद लोगों का यानी माज भाई लोगों का है, वो जानवर हाजी भाई लोगों का है। सुभाष जी अंकल की जो है सफाई कर रहे हैं, वो तंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी गालियां नहीं खानी। तो इसके रेट जो है ये 1.10 की है। सुभाष जी दे सकते हैं अभी आपके सामने दो बकरे और ये बकरा बोल रहे हैं। हाँ बोलो। जून से पहले कौन सा महीना आता है? जून से पहले कौन सा महीना आता है? अच्छा वो धुम्बे ने बोल दिया, आ जाओ मैं आता। सुभाष यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 माशाल्लाह से बकरे हैं रजा भाई लोगों के। तो पहला बकरे की सिंगा तो देखिए खतरनाक लग रही। अब क्यों, अब क्यों बोल रहा भाई? जब मैंने सवाल पूछा था तब पूछा नहीं, तब धुम्बे ने जवाब दे दिया। ये इसकी क्या कीड़ा चल रहा है? हट, आप तो आराम फरमा रहे सर। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है ना? जब ऊंट भाग रहा था ना इस जानवर को एक नुकसान हो गया था। वो हुआ ये था कि बेचारा जो है डर रहा था और इसके पेट पे जो है ये जालियां दिख रही है ये लग गई थी बेचारे के। और इबाद लोग थे मतलब अजीब सा हो रहा था ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चोट जो है सेट हो गई है। सुभाष जी तीसरी गली जो है स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा, मैं शुगर लगाएंगे। ये भी चारा खा रही है, बस मारने की नहीं हो रही, बाकी सब खैर है। चाय पी लो। अरे रजा भाई क्या कर रहे हो? ओ टी शर्ट उतारी में उन्होंने। सुभाष ये जो है ना, तो ये वाली हम गाय जो है आपको दिखा देते हैं। ये बच्चिया है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है। उसके ऊपर बेचारे के ऊपर मक्खियाँ बैठ गई, लेकिन रौनक ही खत्म भाई। कल जो हो गया ये सारी गाय ज़िबा हो रही होंगी और हम लोग व्लॉग बना रहे होंगे। आज हम इनका जो है मतलब दिखा रहे हैं कि किस तरह बैठे हुए खा रहे हैं, लेकिन कल जो है हम लोग इनका गोश्त खा रहे होंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठे हुए, इन्होंने मुझे क्या कहा कि सुबह नाश्ता करना चलेंगे। भाई साहब इधर बैठे हुए, टोपी है एक नंबर की। सर टोपी नहीं है सर, हम इंतजार कर रहे थे आपका। तो चलो आओ गाय दिखाते जो हम काम करना है। ये देखें माशाल्लाह अभी लेटी हुई है फुल। ये हंस क्या रहे हैं उधर दिखाओ, हंस रहे हैं यार, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे। गलत बात है ये, गलत बात है ये। ये छोटी वाली किसकी है? है अब्दुल्ला भाई यूट्यूब पे आ जाए। सुभाष ये वाला जानवर जो है इसका नाम मुझे नहीं पता, नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है? नाम क्या अंकल का? मोहम्मद शब्बीर, शब्बीर अंकल का जो है जानवर है। तो इस जानवर की रेट बता देता हूँ, 130 का ये जानवर लिया मली मंडी से माशाल्लाह। ये भी बड़ा खूबसूरत है, जब खड़ा होगा तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं, और भी जानवर है। जिया भाई का बंदा हुआ उधर रात को जो है आ जाता है और बाकी सुबह जो है इधर आ जाता है। सुबह जिया भाई के जानवर के पास हम आ गए हैं। थोड़ा सा कल जो है मार रहा था लेकिन अभी सही, अभी भी मार ही रहा है, प्यार तो नहीं कर रहा है। वैसे 1.40 का माशाल्लाह ये लिया है इन्होंने। सुभाष ये है हरिच लोगों का, ये भी जो है मंडी अक्सर जाता रहता है अपने दोस्त के साथ, समी के साथ। उसका भी चैनल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई बात नहीं हो जाता है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जाके देख लीजिएगा। और ये जानवर जो है इसके रेट बात आपको पता है? ये बच्ची है माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रेट हमें नहीं पता। ये बकरे भी इधर दिखाओ, धुम्बे भी हैं। वो देखो एक और ब्लॉगर को तो दिखाओ। ये यार ये मेरे दोस्त की हरिच की। सो गाइस आज मैं ऊंट के करीब जाने वाला हूँ। ये मेरा चैलेंज है कि मैं ऊंट के करीब जा पाऊंगा या नहीं। ये तो पहले से हमें देख के चौंकना हो गया और खड़ा हो सकता है भाई। आज भागने की नहीं करना, ठीक है? वैसे शुगल हो गया, शुगल करवा दी। तो उस दिन तुमने ट्यूशन की छुट्टी करवा दी, पता है तुम्हें? ये देखें भाई माशाल्लाह से इन लोग ने जो है गाय भी लिया। ये लोग करीब हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है।
गिरे अंकल उनका कान नाक। सो गाइस इधर दो जानवर और आ गए, ये तो रातों रात आ गए, हमें पता भी नहीं चल रहा भाई कब जानवर आ रहे हैं कब जा रहे हैं। इस बार तो अनलोडिंग ही सिर्फ हमने दो बार करी है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है। हाँ अंकल मारने वाला नहीं है ये। ए, ए, तुम क्यों खड़े हो गए, तुम्हें थोड़ा हाथ लगा रहे हैं। माशाल्लाह ये सब अंगड़ाई ले रहे हैं, नींद से उठे बेचारे। सुबह जी देखे बिल्लू रानी को जो है सजा दिया है इन्होंने। बिल्लू रानी नहीं है। ये लो तो ये तो नहीं मार रहा क्या है। आगे जाओ तुम। आगे जाना ही नहीं, गोबर रखा हुआ, चप्पलें गंदी हो जाएंगी, हमें अभी नाश्ता करने जाना है। जाओ जाओ दोबारा दोबारा, छोटा रॉकेट है भाई ये तो। माशाल्लाह एक और जानवर, ये वाला तो जानवर देखे आप तो, ये दूसरे उठा दिया इसने तो। आए हो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया, क्योंकि हाथ लगा ही लिया हमने आके। आ जाओ सुगा जी है फराज बर्ड लोगों का जानवर, हमें जिन जिन के रेट पता था मैंने आपको बता दिए, जिनका नहीं पता तो माजरत कोई बात नहीं। क्या है रेट है? 180 का। माशाल्लाह बहुत प्यारा ले लिया। सुगाज अभी बैठा हुआ तंग नहीं करते हम, आज आगे चलते हैं खबीर के जानवर के पास। सुगाज इधर तो जानवर सब, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इधर ही जानवर आए हैं, वैसे वो हम लोग ब्लॉग के बाद देख लेंगे सबसे ज्यादा कहाँ है, फिर मैं आपको बता भी दे दूंगा। और इसमें खबीर की कौन सी गाय, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गाय जो है ये इनकी है और खबीर की गाय वो वाली है। माशाल्लाह असल में इसके जो है ना मोरा था, तो उसकी वजह से उसको चोट लग गई थी आगे सर पे, ये मुर्गे को तंग कर रहे हैं वो लोग। आ जाओ खबीर की जो गाय है वो थी, कितनी की थी यार, एक मिनट पोस्ट कर। खबीर की जो गाय थी वो थी 76 की। और आ जाओ सो गाइस इन चारों के भी रेट हमें नहीं पता, लेकिन ये गाय भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। नहीं कर अफान, नहीं कर नहीं कर, बैठे रहने दे, वैसे ही उठा भी नहीं। इसमें उजैन की गाय है, वो मुझे भी नहीं पता है कौन सी उजैन। अच्छा ये वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हर साल जो है ना ये लोग दो गाय लेकर आते हैं अब्दुल्ला लोग, और माशाल्लाह देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस बार लेकर आए ये लोग जानवर उजैन लोग। सो गाइस इधर और दो जानवर है, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले पहले जानवर दिखा दूँ, वो देखो ओ गटर के ऊपर लेटा हुआ है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर रहा तुझे। हाँ तो ये वाले जानवर असल दिखा देते हैं, ये जानवर है माशाल्लाह 75 का, और ये आया था तीसरी लाते, क्यों मार रहा है यार ये तू क्यों। चलो आ जाओ बाहर की तरफ चलते हैं। सो गाइस इधर दो बड़े बड़े जानवर हैं जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और अभी भी दिखा रहा हूँ, और उस वक्त मैंने रात को दिखाया था और इस वक्त जो है सुबह दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े जानवर, आ जाओ ये फार्म के। सो गाइस ये देख सकते हैं माशाल्लाह, एक बैठा हुआ है और एक क्रॉस भी है ये। यार एक बार बताऊं, लोग हंसते क्यों हैं यार जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। सो गाइस अभी आपको मैं फार्म के जानवर दिखाता हूँ, आ जाओ अंदर की तरफ आ जाओ, बात बस ये मारे नहीं बाकी सब कह रहे। देखे माशाल्लाह मारे नहीं, बस बाकी सब कह रहे, अभी चारा वारा खा के बैठे हैं ये लोग, ये तो मारने वाले लग रहे हैं। बस आ जाओ अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी वो वाला जानवर दिखाते हैं आप, आ जाओ। सो गाइस सब जानवरों को सुबह सुबह जो है चारे का टाइम हो जाता है। ये जानवर कितने का था पता नहीं, ये कितने का है पता है? ये 260 का माशाल्लाह। आ जाओ इधर बकरे भी थे, आ जाओ बकरे के बाद चलते हैं। बकरे कहाँ गए, यहाँ से बकरे तो 60 हो गए। चलो बकरा नहीं है, एक और ये है अपना 60 की। आ जाओ ब्लैक वाले दिखाते हैं हम, ये कल उतरा। हाँ ये वाले भी माशाल्लाह, इसके रेट नहीं पता क्योंकि कल उतरा, और एक और एक अंदर भी बैठा हुआ है। माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह ये। आ जाओ आगे चलते हैं, आप एक और जानवर भी है। तो वाइट अभी एक और जानवर आपको दिखाते हैं, ब्लैक एंड वाइट है माशाल्लाह, मारने वाला लग रहा है, इसलिए हम आगे चलते हैं आप है, लेकिन बहुत प्यारा है, मारने वाला नहीं है, देखो उसने हाथ लगा लिया तो फिर हम भी लगा ही सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आज देख सकते हैं माशाल्लाह दो बकरे और बे। अरे अरे ये तो माइक का नहीं 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 नहीं
ये वाला देखते ये खाते है। सब माइक खा रहे हैं ये तो भाई जी। जानवर के बेचारे जो उतरते हुए लग गए थी पैरों में, वो वाले पैरों में जरा बात अगर आप वहां जा सकते हो तो बता दो वरना मैं खुद कर लूंगा। मरी कितने का है? तो गाइड्स हसीब को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि जब ऊंट भाग रहा तो हसीब ने जो है अपने घर पे बुलाया था हमें ताकि हम बच सकें। तो ये हसीब की माशाल्लाह से देख सकें पक्षियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और पहले जब आई थी तब आपने देखी थी, और हसीब ने ना माशाल्लाह खिला के खूबसूरत कर दिया है इस बच्चिए को माशाल्लाह। और दो जानवर और भी आए उधर, वो देखें वो ऊंचाई पे भी खड़े हुए हैं, और लेकिन अगर हम नीचे भी उतारते हैं ना तो बहुत मतलब हाइट में भी अच्छे हैं और भारी भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस चारे के टाइम है इनके। सो आई होप आज के ब्लॉग जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ एक और बात ये कि 500 सब्सक्राइबर जो है हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग का सपोर्ट दिखाने का प्यार दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सब्सक्राइब करें और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर जो है कॉन्टेंट लेकर आऊँगा। अल्लाह पाक जो है सबकी कुर्बानियाँ जो है कबूल फरमाएँ। और बस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अच्छा चलो तुम बोलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दे बस खत्म।